हाय फ्रेंड्स, जीवन शांति प्लान के पांच कन्फ्यूजन्स या भ्रम जिसको आज हम डिमिस्टिफाई या सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करें। दोस्तों, जो सबसे बड़ा भ्रम या जो पहला भ्रम जो है जो जीवन शांति प्लान को लेके है, वो ये कि जीवन शांति प्लान जीवन अक्षय प्लान का रिप्लेसमेंट है। जीवन शांति प्लान एक एनुटी प्लान है, एक पेंशन प्लान है, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जीवन अक्षय प्लान भी एक एनुटी प्लान है या पेंशन प्लान है। तो जैसे ही जीवन शांति प्लान मार्केट में आया, ये पहली चीज़ लोगों के दिमाग में आई कि जीवन शांति प्लान जीवन अक्षय प्लान का रिप्लेसमेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा पड़ताल करते हैं। जीवन शांति प्लान स्पेशली लाया गया है मिलेनियल्स पॉपुलेशन को टैप करने के लिए। मिलेनियल वो होते हैं जो सन 2000 के बाद 18 साल के कन्वर्ट होते हैं, वो युवक और युवतियां, वो लेडीज़ और जेंटलमैन जो 18 साल की उम्र सन 2000 के बाद पार हुए, वो मिलेनियल्स कहलाते हैं। तो स्पेशली LIC चाहती है कि उनको टैप करना। आज जो मिलेनियल्स हैं वो आज की डेट में अर्ली 30s में हैं, तो उन लोगों के पास जो उनका लाइफस्टाइल है, जो उनकी कैपेसिटी है अर्निंग की, उसमें एक सेविंग का पार्ट, एक सर्टेनिटी लाने के लिए, क्योंकि ये सारे बहुत जंप करते हैं, नौकरियां बहुत सारी चेंज करते हैं, स्टार्टअप्स कर में बहुत काम कर रहे हैं, विदेश जानते हैं, प्रोफेशनलिज्म है, तो ऐसे लोगों के मेनली टैप करने के लिए, इनकी लाइफ में एक गारंटीड फ्यूचर देने के लिए जहाँ पे एक रेगुलर कैश फ्लो आता रहे, जिस जो भी उम्र वो डिसाइड करते हैं, स्पेशली डिफरमेंट एनटी के थ्रू के तौर पे, इसको प्रोवाइड करने के लिए इस प्लान को लॉन्च किया गया। जो मेन मोटो है वो इस पॉपुलेशन को टैप करने के लिए है। इसमें एग्जिट ऑप्शन दिया गया है थ्रू सरेंडर। हालांकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इस प्लान में जो सरेंडर की सुविधा दी गई है वो सरेंडर को प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि उसके थ्रू आप जब भी चाहो एग्जिट हो जाओ, वो इसलिए है क्योंकि पहले जीवन अक्षय प्लान में और जो हमारे एग्जिस्टिंग पेंशन प्लान्स हैं जो पहले चल रहे हैं, उसमें सरेंडर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो ये उसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है। लोन अवेलेबल है। जो जीवन सरेंडर की जो सुविधा प्रोवाइड करी गई है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि इसमें लोन हम दे सकें। जो लोन अवेलेबल है, मनी व्हेन इन नीड, इसमें जब ज़रूरत है तो अपने अमाउंट जो हमने रखी है LIC के साथ, जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है LIC के साथ, उसमें से एक अच्छी खासी रकम हम लोन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको ज़रूरत है। ऑफकोर्स उसके लिए हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये पॉलिसी असाइन हो सकती है, यानी अगर हम चाहते हैं कि इसके बेनिफिट्स दूसरे को हम असाइन करके अपने ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हैं, या मैं किसी को गिफ्ट भी दे सकता हूँ, तो इसमें असाइनमेंट अलाउड है। जीवन अक्षय और दूसरी पेंशन पॉलिसीज़ में असाइनमेंट अलाउड नहीं था। ये गारंटीड डिफर्ड एनिटी पॉलिसी है। गारंटीड डिफर्ड एनिटी पॉलिसी का मतलब ये हुआ, अभी जो हमारे पास पॉलिसीज़ हैं डिफरमेंट में, जैसे कि जीवन निधि, उसमें गारंटीड नहीं है। उसमें एक अक्यूमुलेशन पैसा इकट्ठा होता है बोनसेस के रूप में, सम अशोर्ड प्लस बोनस प्लस लॉयल्टी एडिशन या FAB अलग अलग प्लान्स में ऐड होती है, और वो एक कॉर्पस तैयार करता है। और जो कॉर्पस होता है वो उस वक्त का जो एनिटी प्लान रहेगा उसमें कन्वर्ट होगा, और जो उसके रेट्स रहेंगे वो एप्लीकेबल होंगे। लेकिन ये जो प्लान है, इसमें जो रेट्स हैं वो एट द एंट्री ही गारंटीड है। प्लान के बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप मेरा वीडियो जीवन शांति देख सकते हैं। तो इसमें गारंटीड डिफर एनिटी है। ये सारे डिफरेंस हैं जीवन अक्षय से, और इन सब में एक चीज़ नहीं है जो कि अक्षय का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, तो वो है कि जीवन अक्षय स्टिल कंटिन्यूज लॉकिंग द कैपिटल टिल डेथ। यानी सब लोग ये नहीं चाहते कि उनको लिक्विडिटी मिले, बहुत सी बड़ी आबादी ऐसी है। इनफैक्ट जीवन अक्षय 6 का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो ये है कि उसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट किया तो
तो निकाल नहीं सकता कोई, ना किसी प्रेशर में, ना किसी शादी ब्याह की ज़रूरत में, ना कभी मेडिकल इमरजेंसीज की फैमिली के, क्योंकि वो पैसा उस बुज़ुर्ग के लिए या उस बंदे इंसान के लिए उसकी ज़रूरत पूरे करने के लिए है। तो जब तक वो इस दुनिया में है वो पैसा उसके लिए लॉक रहता है, वो पैसा कोई निकाल नहीं सकता। और अगर उसने ऑप्शन एफ या जे में से कोई ऑप्शन चुना है तो उनकी मौत के बाद ही पैसा ऑटोमेटिकली उसके नॉमिनीज को मिलेगा, उसके पहले नहीं। ये एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो जहाँ तक बात है पहले मिथ की कि जीवन अक्षय का रिप्लेसमेंट है जीवन शांति, तो बिल्कुल नहीं। दोनों प्लान में बहुत सारा फ़र्क है, दोनों प्लान का मार्केट थोड़ा सा अलग है और दोनों प्लान की ज़रूरत मार्केट में है। तो जहाँ तक अभी की बात है, अभी दोनों ही प्लान मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, यानी जो पहला मिथ है वो एकदम बेबुनियाद है। आइए चलते हैं दूसरे मिथ को समझते हैं। दूसरा मिथ ये है कि जो जीवन शांति पॉलिसीज हैं वो इनकरेक्ट रेट ऑफ रिटर्न्स LIC प्रोजेक्ट कर रही है। इसमें हमने देखा कि कैसे एक पैम्फलेट्स आ गए और रेट्स अलग अलग रेट्स मार्केट में हमको दिखने लगे कि 5 साल इन्वेस्ट करो तो रेट 9% के ऊपर दिख रहा है और 10 साल अगर कोई डिफर करता है तो रेट्स 12% के ऊपर दिख रहे हैं। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है, समझ लेने की है, क्योंकि अगर इसको नहीं समझा तो इसमें मिससेलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर समझ लिया तो ये बहुत आसान हो जाती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। आइए इसको हम देखते हैं। पहली चीज़ समझ लीजिए, LIC रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती, ना ही इस प्लान में दे रही है, ना ही किसी और प्लान में देती है। LIC एक गारंटीड अमाउंट पर 1000 रुपीज़, यानी जो परचेज प्राइस है उसके पर 1000 के हिसाब से एक गारंटीड रेट उसने फिक्स किया हुआ है हर टर्म के लिए, हर एज के लिए, वो जो है उस पर एप्लीकेबल होता है। आप जहाँ भी देखेंगे तो LIC के किसी भी पैम्फलेट में या LIC के किसी भी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन में रेट ऑफ रिटर्न करके मेंशन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली वो रेट ऑफ रिटर्न नहीं है। उसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे डिटेल में। और इसी तरह जो इमीडिएट एनिटी होती है, जो कि इस प्लान में दोनों ऑप्शन है, इमीडिएट एनिटी का भी और डिफर्ड एनिटी का भी, उसमें भी रेट पर 1000 ही होता है, पर क्योंकि वो साल के साल अमाउंट डिसबर्स हो जाती है, आप उसको रिटर्न्स की तरह स्टेट कर सकते हो, पर एक्चुअली वो रेट पर 1000 होता है। एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। पहले हम डिफर्ड एनिटी का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने एक 50 साल के इंसान को लिया है जो 10 लाख रुपया 10 साल के डिफरमेंट टर्म के लिए रखता है, जो इसको 11वें साल से यानी 10 साल बाद जब पॉलिसी का एक्यूमुलेशन पार्ट ख़त्म हो जाएगा, जब उसका गारंटीड एडिशन मिलके कॉर्पस तैयार हो जाएगा, उसके बाद उसको ईयरली 1,28,300 रुपया लाइफ टाइम गारंटीड एनिटी मिलती रहेगी। यानी अभी उसने 10 लाख रुपया रखा, अभी उसको इमीडिएट रिटर्न की ज़रूरत नहीं है और वो रिटर्न्स की टैक्स लायबिलिटी नहीं लेना चाहता और उसको भी डिफर करना चाहता है, तो उसने 10 लाख रुपया रखा तो उसको 11वें साल से जब पॉलिसी वेस्ट हो जाएगी, और हम ये मानते हैं कि उन्होंने ईयरली एनिटी लिया, तो 1,28,300 रुपया एवरी ईयर गारंटीड हो गया। अब अगर हम इसको देखें कि एनिटी एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, तो कैपिटल इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपया और कैपिटल का 1,28,000 रुपया होता है 12.83%। तो कैपिटल का 12.83% एनिटी है, ना कि उसका रिटर्न 12.83 है। अगर हम उसका IRR वर्क करें, और हम क्योंकि इसमें डेथ बेनिफिट अलग है, पर अगर हम मानते हैं कि 10th ईयर के एक महीने पहले किसी की डेथ हो गई, तो उसमें जो IRR वर्क करते हैं तो जो कॉर्पस के साथ जो पैसा मिलता है उसमें 7.61% का रिटर्न बैठता है। अब ये रिटर्न्स है, तो इसमें जो रिटर्न्स आते हैं वो 7.61% है और ये 50 साल की एज में है, डिफरेंट एजेस में डिफरेंट आएगा। तो 12.83 इसमें रिटर्न्स नहीं है, 12.83 इसके एनिटी का परसेंटेज है, यानी कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया
और उस कैपिटल का कितना परसेंट हमको रिटर्न मिलेगा लाइफ टाइम गारंटीड, वो इसका है। इसको बहुत बारीकी से समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसको समझने में गड़बड़ हुई तो मिससेलिंग हो सकती है। जो रेट है, इफेक्टिव रेट पर थाउजेंड इस इंसान के लिए, वो 128 रुपया 30 पैसे प्रति हज़ार है। और इसीलिए जो एनिटी आ रही है 10 लाख रुपया पे, वो 1,28,300 रुपीज़ पर ईयर गारंटी टिल डेथ आ रही है। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि जो ये डिफरमेंट के रेट्स हैं, एक साल से लेके 20 साल तक का डिफरमेंट हो सकता है, उसमें जो रेट्स जिसको हम बता रहे हैं वो एक्चुअली इफेक्टिव रेट पर थाउजेंड है, और वो कैपिटल का रेट है, यानी जितना कैपिटल मैंने रखा उसके हिसाब से मुझे कितनी एनिटी मिली, ना कि उसका रेट ऑफ रिटर्न्स। इसी तरह हम इमीडिएट एनिटी को समझ लेते हैं। इमीडिएट एनिटी में क्योंकि पैसा साल के साल मिल जाता है, एक्यूमुलेट नहीं होता, तो आप इसको आप इफेक्टिव रेट बोल सकते हो। तो इसमें किसी 60 साल के इंसान का अगर हम एग्जांपल लें, जिसने 10 लाख रुपया जीवन शांति में इमीडिएट एनिटी ऑप्शन एफ में लिया है, तो उसको ईयरली 66,200 रुपीज़ लाइफ टाइम के लिए गारंटीड हो गया, और उसका 10 लाख रुपया उसके कैपिटल में रहा। तो इसमें इफेक्टिव रेट जो कैपिटल इन्वेस्टेड का आता है 6.62%, और आप इसको ये भी बोल सकते हो कि 6.62% का रिटर्न बैठता है, क्योंकि इसमें पैसा एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, एड ऑन नहीं हो रहा है, 6.62 मिल जा रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो इसमें रेट है वो 66 रुपये 20 पैसा का रेट है, जो कि उनको लाइफ टाइम मिलेगा। तो जो दूसरा मिथ है कि इसमें इनकरेक्ट रिटर्न्स हैं, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है कि वो रिटर्न्स एनिटी का परसेंटेज है, ना कि रेट ऑफ रिटर्न्स। तीसरा, जो तीसरा एक बड़ा भ्रम है इस प्लान के साथ, वो है कि इनिशियल कैपिटल इज लॉस्ट जब भी हम सरेंडर करते हैं। पहले तो मैंने आपको शुरू में बताया, फिर से रिपीट करता हूं कि ये प्लान सरेंडर का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि ये ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं थे पहले किसी भी हमारे एनिटी ऑप्शन में, जैसे जीवन अक्षय हो, जीवन धारा या कोई सा भी प्लान हो, तो उसमें सरेंडर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, या अंडर ऑप्शन एफ अंडर सर्टेन मेडिकल कंडीशन पैसा निकाला जा सकता था, लेकिन इसमें आउटराइट एक सरेंडर का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी अंडर डायर सर्कमस्टेंसेज एंड नॉट टू इनक्रेज सरेंडर एज अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप इसमें से लोन ले सकते हो, और लोन लेने के लिए सरेंडर का कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरेंडर की वैल्यू पे लोन बेस्ड है। तो इसमें जो सरेंडर का ऑप्शन है, बेसिकली वो ऑप्शन नहीं है, वो लोन कैलकुलेट करने के लिए नेसेसिटी है। तो इसको आप प्रमोट मत करिए, ये प्रमोट करने का नहीं है, ये है कि अगर आपने पैसा रखा है तो आपको इस पर लोन अवेलेबल है, और अगर बहुत ही बुरी स्थिति है और आपको पैसा निकालना ही पड़े, तो उस सिचुएशन में आप पैसा आपका ब्लॉक नहीं होता, आप पैसा निकाल भी सकते हैं। आइए हम इसी चीज़ को एक एग्जांपल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम वही एग्जांपल लें, 50 साल के इंसान ने जिसने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है 10 साल के डिफरमेंट के लिए, तो हम इसमें देखते हैं कि हर साल पैसा उसका एक्यूमुलेट हो रहा है, और अगर वो सरेंडर का अमाउंट देखें तो वो भी कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है हर साल की, जितना डिफरमेंट टर्म कम होता जा रहा है सरेंडर की अमाउंट बढ़ती जा रही है, और हम देखते हैं कि इसमें 7th ईयर में ब्रेक इवन आ जाता है, यानी जिसने 10 लाख रुपया रखा उसका मूल अगर वो सरेंडर भी करता है तो भी 7वें साल में पूरा पैसा उससे थोड़ा ज़्यादा वापस आ जा रहा है। यानी जो हमारा भ्रम है कि सरेंडर में पैसा लॉस्ट हो जाता है, वो सरासर गलत है। चौथा जो बड़ा सवाल है कि जो इसमें पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट गारंटीड एडिशंस जो है वो LIC देती नहीं है, वो LIC फोरफीट कर लेती है। दोस्तों इसमें समझने की एक बात है कि पैसा जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है
क्योंकि LIC को उस पर लाइफ टाइम रिटर्न देने हैं। तो LIC के जो एक्चुरीज हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा है कि जो 10 साल पैसा एक्यूमुलेट होगा वो बेसिस बनेगा अगली बची हुई ज़िंदगी में लोगों को एक गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड करने के लिए। जहाँ भी हम गारंटीड रिटर्न्स बोलते हैं, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमको उतना अमाउंट से ज़्यादा पहले अर्न करना है और फिर उसके बाद उसको देना है। इतनी लंबी अवधि के लिए गारंटी करना मुश्किल है। इसके लिए LIC में जीवन शांति प्लान में जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि एक्यूमुलेशन के बाद जब पैसा मिलने लगता है तो उसमें से उसके बाद जब भी एग्जिट करते हैं बाय द वे ऑफ डेथ या सरेंडर, तो जितना एनुइटीज पेड हो जाता है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो दी जाती है, और 110% इन केस ऑफ डेथ विच एवर इज हायर। इसको हम ज़्यादा समझने के लिए आप प्लान प्रेजेंटेशन जो जीवन शांति का है वो देख सकते हैं मेरा। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, 50 साल का कोई इंसान है जिसने 10 लाख रुपया रखा है 10 साल के डिफरमेंट के लिए। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में समझा, ये सेम स्लाइड है, लेकिन इसमें इस बार एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे ध्यान दीजिए कि जो पहले ही साल है वो 11 लाख का एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, क्योंकि इसमें 110% तो गारंटी नहीं है, डेथ हो गई किसी की तो उसको 11 लाख मिलेगा, ना कि 10 लाख जो इन्वेस्ट किया। फिर पैसा हर साल एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट होते होते जो 10 साल का डिफरमेंट पीरियड है उसमें टोटल एक्यूमुलेशन उसके 10 लाख के कैपिटल के सामने दिख रहा है 22,11,520 रुपया। यानी 10 लाख के सामने 22 लाख रुपये का कॉर्पस इकट्ठा हो गया है या एक्यूमुलेटेड अमाउंट बन गई है, जिसमें 10 लाख रुपया उनका कैपिटल या परचेज प्राइस है और ऊपर का 12 लाख रुपया ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से उनका गारंटीड एनुइटी पे होना शुरू हो जाता है, और जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो गारंटीड एनुइटी पे हो रही है उसके बाद एक्यूमुलेटेड अमाउंट रिसीव्ड ऑन दैट ये कम होता जा रहा है। कम क्यों होता जा रहा है? जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर डेथ हो जाती है तो जितना एनुइटीज पे कर चुके वो माइनस किया जाता है एक्यूमुलेशन में से, और फिर उसके बाद नॉमिनी को दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं कि डेथ नहीं हो रही है, तो 19वें साल के बाद अगर आप देखें तो उसके बाद रिडक्शन नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो 100 साल तक जिएंगे, 80 साल तक जिएंगे, जितनी उम्र उनकी होगी उतना जिएंगे। तो उसमें 1,28,300 रुपया जो कि गारंटीड एनुइटी है वो LIC कंटिन्यू करती रहेगी पेमेंट, और जो उनका कैपिटल रहेगा जो 10 लाख डाला था उसमें 110% करके यानी 11 लाख रुपया करके उसको सेफ कर दिया जाएगा। वो तो हर हालत में नॉमिनी को एट द टाइम ऑफ डेथ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तब तक 1,28,000 रुपया उनका एनुइटी आता रहेगा। जो इसमें रेट्स हैं वो इसीलिए इतने हाई दे पा रहे हैं क्योंकि जो पैसा है वो LIC ने यूज़ किया, और वो एक्चुअली के हिसाब से जो उनकी कैलकुलेशंस है कि कितने लोग एग्जिट करेंगे, कितने लोग की मौत होगी और कितने लोग को हमको देना पड़ेगा, जब आप बात करते हैं तो आप इसको FD से तुलना नहीं कर सकते, आप इसको दूसरी चीज़ों से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रेट्स फ्लेक्चुएबल है, उसमें फ्लक्चुएटिंग रेट्स हैं, वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद चेंज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमने कमिटमेंट कर दिया, जब आपको एक बॉन्ड पे लिख के दे दिया, तो वो चेंज नहीं हो सकता, भले ही मार्केट में उस वक्त 2%, 2.5%, 3% का रेट भी रहे, तब भी ये 1,28,300 रुपया इन सज्जन को मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रम है, डिटेल में समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें समझने की चीज़ ये है कि अगर कोई आपसे बोलता है कि इसमें रिटर्न्स ऐसा है और LIC हमारा पैसा यूज़ करके हमको दे रही है, तो उस ऑब्जेक्शन का जो जवाब है वो ये है कि ये गारंटीड है, आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये ऑप्शन कहीं और से आपको मिलता है तो आप विचार कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं 50 साल तक, 60 साल तक, और अगर जॉइंट लाइफ में छोटा कोई पोता है 30 साल के ऊपर का और दादा के साथ लिया है,
तो हम इसमें एक लंबे स्पैन 50-60 साल की बात कर रहे हैं, तो इतना लंबा गारंटी देने के लिए ये पॉसिबल नहीं। तो जिसको ये चीज़ समझ में आएगी वो आपसे लेगा, जो नहीं समझ में आएगा उसको और ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो इसको लेके बहुत सीरियस होने का नहीं, यही इस प्लान है और यही इसका फीचर है। तो ये जो इसमें सवाल है या एक जो बहुत बड़ा मिथ है कि LIC फोरफीट कर लेती है, LIC फोरफीट नहीं करती। जैसे आपने देखा कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट उसके सामने दी जा रही है, पर अगर कोई लंबा जीता है तो उसका कैपिटल अश्योर्ड है। दिस इज द वे टू लुक एट इट। जो पांचवा और बहुत बड़ा जो मिथ है वो ये है कि LIC ने इस प्लान को लॉन्च किया है जीवन शांति को PMVVY को काउंटर करने के लिए, यानी प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे सिंगल प्रीमियम को हर्ट कर रहा था, इसके लिए LIC ने इस प्लान को निकाला है। काफ़ी हद तक ये बात एकदम सच है। पहले प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना को जो फीचर है उसको जल्दी से एक समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना कि जो सबसे बड़ी बात है उसमें ईयरली रिटर्न्स 8.3% सिर्फ 10 साल के लिए, कोई भी इंसान जो 60 साल के ऊपर है वो ये प्लान ले सकता है, जिसमें 8.3% ईयरली रिटर्न्स गारंटीड हैं 10 साल के लिए। ये भारत सरकार की स्कीम है जो LIC के थ्रू लोगों तक या जनमानस तक पहुंचाई जा रही है। लेकिन LIC ने ये प्लान जो लाया जीवन शांति, ये इससे बेटर बन जाता है। आइए देखें कैसे। अब चूंकि जीवन शांति प्लान तो 30 साल से लेके 85 की उम्र तक दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना सिर्फ 60 साल से ऊपर के लोगों को दे सकते हैं। तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं 60 साल के इंसान का जो 10 लाख रुपया प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में इन्वेस्ट करता है। तो प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना और जीवन शांति जिसको हम 3 साल का डिफरमेंट करके ले रहे हैं, उसमें दोनों में क्या फीचर्स आते हैं इसको हम समझ में। पहले तो जीवन शांति में जो गारंटी है ये 8.3% का, यानी 10 लाख रुपए रखने पे उसका 83,000 का जो गारंटी रिटर्न आएगा वो सिर्फ 10 साल के लिए आएगा, क्योंकि ये जो पॉलिसी है सिर्फ 10 साल की है। इसके बाद जो भी एप्लीकेबल रेट्स रहेंगे मार्केट में, जो भी अवेलेबल एवेन्यूज रहेंगे इन्वेस्टमेंट के, उसमें वो पैसा आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर जीवन शांति को हमने 3 साल के लिए डिफर कर दिया इसी इंसान के लिए जिसकी उम्र आज 60 साल है और वो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको लाइफ टाइम 8.28% का रिटर्न गारंटीड मिलेगा। यहाँ पे लाइफ टाइम गारंटीड हो गया, क्यों? क्योंकि जो अगर हम डिफरमेंट किया तो 3 साल का जो डिफरमेंट रेट है वो आज के रेट से ज़्यादा आया और वो 82,800 रुपीज़ यानी 8.28% का उसके प्रिंसिपल अमाउंट का उसको रिटर्न बैठता है, यानी लाइफ टाइम 8.28% और यहाँ पे 10 साल तक 8.3%। ऑफ कोर्स जीवन शांति विद डिफरमेंट ऑफ 3 ईयर इज़ अ मच बेटर ऑप्शन। एक और फ़ायदा है जो सिर्फ जीवन शांति में है कि भले ही इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया किया हो, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में 10 साल पूरा होने के बाद पूरा कैपिटल यानी 10 लाख रुपया लौटा दिया जाएगा। लेकिन जीवन शांति में ये कम से कम 11 लाख रुपया डेथ पे लौटाया जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर एक्यूमुलेशन पीरियड में डेथ हुई तो, लेकिन कम से कम 11 लाख रुपया तो नॉमिनी को गारंटी है। तो एक तरफ तो मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, दूसरा लाइफ टाइम गारंटी मेरे को रिटर्न्स की मिल रही है, और तीसरा मेरे को एक हाई रिटर्न पर ईयर टिल डेथ मिल रहा है। तो जीवन शांति विद डिफरमेंट इज 100% बेटर चॉइस देन प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना। ये चीज़ समझ लीजिए। और जो इसका मिथ था कि जीवन शांति प्लान प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना को काउंटर करने के लिए लाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।